थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ना दो प्रकार का होता है, एक होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और एक होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये जो जिसमें स्लिप रिंग लगा हुआ होगा रोटर पे, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा, जिसे वाउंड रोटर वाउंड मोटर भी कहते हैं। और एक होता है स्क्विरल केज मोटर। तो देखिए स्क्विरल केज मोटर में कोई बाहरी सप्लाई नहीं रहता है। तो इस रोटर में देखिए स्क्विरल केज रोटर में इसका नाम क्यों दिया गया है, ये जो स्क्विरल केज रोटर जो होता है इसका जो स्लॉट रहता है ना स्क्यूज करके बनाया जाता है, तिरछा करके बनाया जाता है, इसीलिए इसको स्क्विरल केज रोटर बोलते हैं। इसी रोटर के नाम पर स्क्विरल केज मोटर नाम दिया गया है। तो आज आप लोग को हम बताएंगे इसका हर एक पार्ट का नाम, क्या क्या नाम होता है इस मोटर का, ठीक है। तो पहले आप इस रोटर का देखिए, तो ये आपका हो गया बैरिंग, ठीक है, इस बैरिंग शाफ्ट पर लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका शाफ्ट, ये पूरा भाग क्या हो गया शाफ्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए ये आपका हो गया, ये जो भाग है आपका पूरा ये कोर हो गया, रोटर का कोर, ठीक है, रोटर कोर हो गया। ये जो देख रहे हैं लास्ट, ये जो है इंड रिंग हो गया, क्या हो गया इसको क्या बोलेंगे इंड रिंग, इंड रिंग बोलेंगे। ये जो इसमें अंदर में जो स्लॉट कटा हुआ है वो तिरछा टाइप से जो कटा हुआ है, ये क्या दिया हुआ है देखिए, ये रोटर बार है, इसी को रोटर बार कहते हैं, ये जो निकला हुआ है ना ये, इसको क्या बोलते हैं रोटर बार बोलते हैं। इंड रिंग हो गया, ये रोटर बार हो गया, और ये रोटर कोर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ये मेरा है इंड प्लेट बोलिए, चाहे इंड बेल भी बोल सकते हैं, इसको इंड बेल भी बोल सकते हैं, इंड प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा पार्ट का पार्ट नाम हो गया, ये जो इसका रोटर जो होता है ना रोटर कोर एलिमिनेटेड करके बनाया हुआ रहता है, ठीक है। इसका पूरा पार्ट का नाम हो गया, अब देखिए ये हो गया रोटर का पूरा पार्ट हो गया, ये भी ये स्टेटर ही है लेकिन ये रोटर का पूरा भाग नाम हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद ये हो गया स्टेटर, ये पूरा भाग को स्टेटर बोला जाता है, इसमें जो भी लगा हुआ रहता है स्टेटर, सिर्फ घूमने वाला भाग को रोटर बोलते हैं। तो ये स्टेटर हो गया, स्टेटर का पूरा भाग बोलते हैं। देखिए ऊपर का जो एक कवर हो गया आपका, ये इसको क्या बोलते हैं योक, योक बोले चाहे फ्रेम बोले, ये होता है नॉर्मली कास्ट आयरन का, ठीक है। ये ऊपर का भाग हो गया, अब देखिए अब इसमें देखिए ये जो आपका हो गया ये स्टेटर कोर, क्या हो गया स्टेटर कोर। इसके बाद ये जो कटा हुआ है ये क्या है स्लॉट, ये क्या हो गया मेरा स्लॉट हो गया, इसी में स्टेटर वाइंडिंग रखा हुआ, किस में स्लॉट में, ठीक है। और इसका इसके में जो कवर लगेगा वो क्या होगा इंड प्लेट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इंड प्लेट। और देखिए ये जो है जिसपे पूरा डिटेल दिया हो रहा था मोटर के बारे में, इसको क्या बोलते हैं नेम प्लेट, क्या बोलते हैं नेम प्लेट, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको जो है ये जो आप इस तरह से ढांचा ये बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं इनक्लोजर, इसको क्या बोलते हैं इनक्लोजर। इनक्लोजर का क्या काम क्या होता है कि मोटर को ठंडा रखने में मदद करता है, ठीक है, एक कूलिंग में मदद करता है इनक्लोजर, ठीक है। और ये जो निचला भाग हो गया क्या हो गया बेस प्लेट, बेस प्लेट हो गया, ठीक है, बेस प्लेट हो गया। और ये जो आपका हो गया क्या हो गया कूलिंग फैन, कूलिंग फैन हो गया। ये जो हो गया आपका फैन कवर हो गया, ठीक है, फैन कवर हो गया। तो टोटल जितना भी पार्ट था लगभग टोटल बता दिए हैं। इसको स्क्विरल केज मोटर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका रोटर जो होता है स्क्यूज करके बनाया जाता है, मानी तिरछा करके इसमें रोटर बार दिया हुआ रहता है, ये रोटर बार है कंडक्टर बार अल्मोनियम या कॉपर का बना हुआ रहता है, ये रोटर बार है, ये तिरछा करके डाला हुआ रहता है, तिरछा स्लॉट काटा रहता है उसी में ये रोटर बार दिया रहता है। तो लगभग टोटल पार्ट का नाम इसमें बता दिए, ठीक है। तो स्क्विरल केज रोटर का टोटल पार्ट हो गया, आप ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।